चलिए, गुड इवनिंग क्लास। नमस्कार सभी प्यारे बच्चे, जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, उषा, आशीष, अभी, हर्ष, अनुज, चलिए सभी बच्चे जुड़ जाइए। भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी जल्दी से इस क्लास का हिस्सा बनिए, फिर हम लोग बिना विलंब के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए भैया। ओके, गुड इवनिंग। उषा, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है और हटाए गए, इससे मैंने पूरा डिटेल डाल दिया है। जय हिंद विजय, मैंने पूरा डिटेल डाल दिया बेटा। उषा, आप इस लेक्चर का जो सीरीज चल रहा है उसका फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो वहाँ पर मैंने ये बता दिया कि कौन सी क्रॉप को हटाया गया, कौन सी यूनिट को हटाया गया, किसका क्या ब्लूप्रिंट रखा गया। तो आप इसका पहला लेक्चर देख लो, वहाँ पर पूरी डिटेल जानकारी दी गई। ठीक है, ओके। दीपांशु, प्रियंका, आशीष, चलिए, ओके। अनुज, गुड इवनिंग एवरीवन। विजय, अभिषेक यादव, गुड इवनिंग। चलिए भैया, ओके। आर्यन, संदीप कुमार पटेल, राम राम भाई। सर एमपी पीएटी भी पढ़ाओ। रोहित भाई, एमपी पीएटी के लिए नई बैच स्टार्ट हो चुकी है 20 तारीख से, आप उस बैच में जुड़कर पढ़िए डिटेल। ठीक है, यहाँ पर अभी ये कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहा है MGCI, तो उसका लाभ लें आप। और अगर आपको MPPAT पढ़ना है तो MGCI ने ऑलरेडी YouTube पर इतना सारा फ्री में पढ़ा के दे दिया आपको कि आप अगर उसको भी कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब भी शहर बाजार में कहीं जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे आके बोलते हैं कि सर हमने YouTube पे आपको देखा है और YouTube से आप सभी MGCI के टीचरों से पढ़ा और हमारा सिलेक्शन हो गया। तो MGCI ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें YouTube के माध्यम से पढ़ा दिए। प्रतिज्ञा क्वेश्चन सीरीज, जिसमें पशु फसल के बहुत सारी वीडियो लेक्चर है। MGCI ने जब स्टार्ट किया था तो उसमें मैथ्स, बायो, फिजिक्स, इसके बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप उसको भी देखें। बिल्कुल, PCMB की क्लास भी स्टार्ट करवाएंगे आर्यन। ठीक है, PCMB भी स्टार्ट करवाएंगे अपन बहुत जल्दी। PDF डलने में थोड़ा सा एक दो दिन का वेरी होता है, लेकिन वो डल जाएगी, चिंता नहीं करें। चलिए, टेलीग्राम पर PDF भी मिल जाएगी आपको, चिंता नहीं करें बेटा। और PCMB भी आपको चालू करवा देंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्रॉप प्रोडक्शन में हम वीड वाला चैप्टर देख रहे थे भैया, प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट, और आज हम प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट और सेकंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। इट मीन्स हम 6 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। और आपको मैं छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ बेटा, जो आपको कल पूरा करके लाना है। अभी तक हमने प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट, सेकंड और फर्टिलाइज़र, जितने जितने ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आपको कल अपनी स्वेच्छा से अपने अनुरूप कंप्लीट करके लाना है, क्योंकि मैं कल आपसे फिर पूछूंगा यहाँ पर, तो आपको जवाब भी देना बेटा लाइव क्लास में। ठीक है, हाँ, फर्टियर और मिनरलाइजर की PDF नहीं आई है तो डलवा देंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग अपनी ईमानदारी से मेहनत करते रहें। कल आपसे जितने भी ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े हैं उनको मैं पूछूंगा बेटा। ठीक, तो आपकी ऑब्जेक्टिव तैयारी ऐसी हो जाएगी। और थ्योरी के लिए आप क्या करो, रोज़ एक एक दो दो क्वेश्चन का लिखकर रिटर्न नोट बनाते भी चलो, प्रैक्टिस भी करते चलो, तो आपका नोट्स भी बन जाएगा। बेटा रोहित पटेल, MPPAT की YouTube पर लाइव क्लास नहीं हो पा रही, लेकिन पुरानी जो वीडियो है उनको आप देखें। और अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप MGCI को ज्वाइन करिए बेटा, और उसका लाभ लें और अपना एक महत्वपूर्ण वर्ष को बचाएं बेटा। ठीक है, चलिए आइए बच्चों। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे वीट साइंस की, और वीट साइंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी हम यहाँ देख रहे थे। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा, अर्केल पी इन द बोन विले पी क्रॉप फील्ड इज टाइप ऑफ वीड। अगर हम बात करें, नमस्ते विशेष, कि भैया एक ही फसल की अगर दो वेराइटी आ गई, एक ही फसल की दो वेराइटी अगर आ गई तो उस कंडीशन को हम किस नाम से जानेंगे। एक ही फसल की अगर दो वेराइटी आ गई तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो बताइए, ये हम पढ़ चुके बहुत डिटेल में। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। PAT का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, चिंता ना करो, आप डॉक्यूमेंट रेडी करके रखो बेटा। चलिए, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, क्विक फास्ट। अगर एक ही फसल की दो वेराइटी है तो इस घटना को आप किस नाम से जानते हो। ठीक है, ओके। रोहित, रोगे, रोगे नहीं बोलेंगे, रोग्यू बोलेंगे।
रोहित पटेल आप अभी एडमिशन ले लो बेटा, चिंता नहीं करो। ठीक है हर्ष रोग्यू, बिल्कुल सही है। ओके रोग्यू खरपतवार कहेंगे। तो अंग्रेजी वाले बच्चों ने बिल्कुल एकदम लिख दिया, हिंदी वालों ने भी लिख दिया, चलो सभी बच्चों ने लिख दिया। ओके तो एक ही फसल की दो जाति दिखती है तो उसको हम रोग्यू वीट के नाम से जानते हैं, और रोग्यू को निकाल देना रोगिंग कहलाता बेटा। ठीक फैमिली ऑफ ब्लैक नाइट सेड, मतलब मकोई का जो फैमिली है वो कौन सा है? चलिए कमेंट करिए जल्दी से, मकोई का फैमिली आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकोई का फैमिली आपको बताना है। ठीक है आर्यन अनुज आशीष अभी आप सभी का सही है, संदीप आपका भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड कुणाल पाटीदार, दैट इज सोले नियसी। आपने लिखने का प्रयास किया लेकिन स्पेलिंग आपकी गलत है सोले नियसी की, कोई बात नहीं पर प्रयास अच्छा है सोले नियसी। ठीक है ओके करण, तो इसका जो फैमिली भैया वो है सोले नेसी फैमिली। तो मकोई कौन से परिवार का सदस्य है? तो ये सोलेनेसी फैमिली का सदस्य है। विष खपरा का वानस्पतिक नाम क्या है? विष खपरा का बोटनिकल नेम क्या है? बोटनिकल नेम ऑफ विष खपरा। ठीक है आर्यन भानु विजय आप सभी का सही है। ठीक है रानी वार, रानी पवार है। ठीक है भैया ओके रानी। आर्यन बोहवेरिया डिफ्यूजा, इसका जो बोटनिकल नेम है विष खपरा का बोहवेरिया डिफ्यूजा। ठीक है बोहवेरिया डिफ्यूजा इज द बोटनिकल नेम ऑफ विष खपरा। ठीक है ये यहां पर इसको मैं सही कर देता हूं, थोड़ा सा ये आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम करेगा। विष खपरा ठीक है, तो विष खपरा का जो बोटनिकल नेम है वो आपसे पूछा गया, दैट इज बोहवेरिया डिफ्यूजा। निरोधी विधियों में खरपतवारों को नए स्थान में जाने से रोका जाता है, तो नए स्थान में अगर कोई आ रहा है खरपतवार तो क्या करने से रोका जाएगा भैया? चलिए सभी लोग बताएंगे जल्दी से, तो उसकी एंट्री को या एंट्रेंस या प्रवेश को रोका जाएगा, तो नए स्थान में जाने से रोका जाता है, तो प्रवेश करने से उनको रोका जाएगा। किसी क्षेत्र से खरपतवारों का स्थायी रूप से नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय परमानेंट ऑफ वीड्स इज नोन एज, परमानेंटली उनको अगर वहां से हम हटा रहे हैं। बिल्कुल सही है एंट्री आशीष शर्मा जी। चलिए ओके रानी, निरोधी उपाय बोल सकते थे वहां पर, लेकिन इसका आंसर दीजिए आप। ठीक है किसी क्षेत्र से खरपतवारों को स्थायी रूप से नष्ट कर देना, तो यहां पर आएगा इरिडिकेशन। इरिडिकेशन इट मीन्स हिंदी में हम बोलेंगे उन्मूलन, हिंदी में हम कहेंगे उसको उन्मूलन इरिडिकेशन। गेहूं के खेत में चना, एक खेत में दो फसल, गेहूं के खेत में चना, एक खेत में अगर दो फसल है तो इस कंडीशन को आप किस नाम से जानोगे? ठीक है ग्राम इन व्हीट फील्ड, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वीट, इट कंडीशन इज नोन एज रिलेटिव वीट। शुद्ध हिंदी में हम बोलते हैं सापेक्ष खरपतवार। द वीड्स विच ऑलवेज काजेस हार्म टू द क्रॉप्स आर, वे खरपतवार जिनके उगने से सदैव फसलों को हानि होती है, ऐसे खरपतवारों को आप किस नाम से जानोगे? संबंधित भी बोल सकते हैं, रिलेटिव भी बोल सकते हैं, सापेक्ष भी बोल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, संबंधित रिलेटिव सापेक्ष सब सही है। अब इसका आंसर दीजिए। ओके आशीष हर्ष अरुण वेदिका ठीक है रोहित ठीक है भाई। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वे खरपतवार जिनके उगने से फसल को सदैव नुकसान होता है। वास्तविक बिल्कुल सही है, वास्तविक खरपतवार बोल सकते हैं रानी ठीक है, वास्तविक ठीक है, वास्तविक बोल सकते हैं। ठीक है लखन गुड इवनिंग भाई। चलिए ओके बहुत बढ़िया, निरपेक्ष वास्तविक एब्सोल्यूट बहुत बढ़िया, अंग्रेजी में बिल्कुल सही जवाब दिया है वेदिका नामदेव ने, एब्सोल्यूट वीट ठीक है, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट वीट, निरपेक्ष वास्तविक खरपतवार। ठीक है चलिए वेरी गुड,
हाँ एब्सोल्यूट वेट सही है, अभिषेक आपका भी सही है, भानु, आर्यन सबका सही है। आ जाओ भैया, ईडीबी का पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म ऑफ ईडीबी। चलिए करिए प्रयास जल्दी से, सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे। ईडीबी का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीबी, ईडीबी का पूरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया आर्यन सावले, इथिलीन डाई ब्रोमाइड। चलो बहुत बढ़िया रानी पवार, एमपी आदिवासी, नेटवर्क के कारण थोड़ा बहुत कभी कभी ब्लर होता है बेटा, ठीक है? चलिए बाकी तो सब कुछ क्लियर है, बाकी बच्चे सब जवाब दे रहे बेटा। दैट इज इथिलीन डाई ब्रोमाइड, इथिलीन डाई ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हो गया एडीबी का पूरा नाम, इथिलीन डाई ब्रोमाइड। सिमाजिन क्या है भैया? सिमाजिन किस तरह यूज किया जाएगा? बहुत बढ़िया, आप सभी ने सही जवाब दिया। इथिलीन डाइब्रोमाइड इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीबी। ये सॉइल फ्यूमिगेंट की तरह भी काम करता है, इसको मृदा में मिला देंगे तो फ्यूमिगेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, वेरी गुड दीपांशु नामदेव। तो ये हो गया भैया विडी साइट, ये हो गया है विडी साइट, इट मीन्स खरपतवार नाशिये, खरपतवारों को मारेगा, विडिसाइड कहलाएगा भैया। 2,4-D का पूरा नाम, चलो काफी बड़ा है मैं लिख देता हूं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D। बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया, वेल डन बेटा। आर्यन, अभिषेक, आशीष, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड। हर्ष, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। ठीक है भैया, प्रयास करिए टीसीए का फुल फॉर्म लिखने का। ओके रोहित कुर्मी, आपने भी हिंदी में लिख दिया, बहुत बढ़िया। टीसीए का फुल फॉर्म लिखिए, ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है हर्ष, बहुत अच्छा प्रयास है, और बच्चे प्रयास करिए, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, वेदिका नामदेव ने बिल्कुल सही लिखा है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, दिस वन इज ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ टी सी ए, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, वेल डन, सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी ने लिख दिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, आपको सत्य असत्य आते हैं तो परीक्षा में आप लोग तो बहुत चालाक हो, पहले सारे सत्य लिख देते हो, बाद में उसके आगे अ लगा देते हो, तो ये तो टेक्निक आप बहुत पहले से लिखते आ रहे हो ट्रू फॉल्स की। चलिए, तो गेहूसा फ्लेरिस माइनर इज अ रबी सीजन वीट, गेहूसा गेहूं का मामा रबी की फसलों का खरपतवार है, ये स्टेटमेंट क्या है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, झरबेरी एक शाकीय खरपतवार है। चलो पहला तो ट्रू हो गया, सेकंड का बताइए आप। ओके वेदिका सही आपका, हर्ष, लखन, चलिए सेकंड पे बताइए भैया। झरबेरी इज ए हर्बेसियस वीड, हर्बेसियस मतलब हरा भरा रहने वाला। रोहित, अभिषेक बता रहा सेकंड इज राइट, राजेश, अर्जुन, वेदिका, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। कांस एक काष्ठीय खरपतवार है, थर्ड वाला बताइए भैया। चलो सेकंड वाला तो आप सभी ने बता दिया, भानु, गणेश, संदीप, आशीष, लखन, एमपी आदिवासी, आशीष शर्मा, दीपांशु, आर्यन, राजेश, अनुज, गणेश, आपको बताना भैया कांस
एक काष्ठीय खरपतवार है। चल ये भैया फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नेरो लीफ वीट इज ए मोनोकार्ट वीट। संकरी पत्ती वाले खरपतवार एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं। फोर्थ का क्या आंसर आएगा भैया? फोर्थ वाले का आंसर आएगा दैट इज ट्रू, क्योंकि जो एक बीजपत्री वाले वो संकरी पत्ती वाले होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ट्रू। एक वर्षीय खरपतवार बीज द्वारा प्रजनित होते हैं। एनुअल वीट्स आर प्रोपोगेटेड थ्रू सीड। बिल्कुल सही है, ट्रू है। खेतों में पानी भरकर खरपतवारों को समाप्त करना एक रासायनिक विधि है। पानी का रसायन से कोई लेना देना नहीं, इसलिए फॉल्स हो गया। गाजर घास विदेशी मूल का खरपतवार है। बिल्कुल सही है, बाहर से लाया गया। पार्थेनियम हिस्टोफोरस बाहर से आया था अपने पास। सीमाजिन एक कीटनाशी है। गलत, सीमाजिन तो एक खरपतवार नाशी है भैया, सीमाजिन तो एक खरपतवार नाशी है। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपसे पूछा गया है। मकोई का जो सीड है, मकोई का पौधा एक वर्ष में कितने बीज उत्पन्न करता है? चलिए एक वाक्य में आपको उत्तर देना, मकोई कितने बीज उत्पन्न करेगा भैया? बताइए, प्रयास करिए सभी लोग। 75,000। ठीक है रानी पवार, थोड़ा सा सही लिखा। गणेश रघुवंशी 2,000। 1,70,000, सॉरी 1,78,000, 95,000। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है, तो आप तो 72,000 के करीब लिख देना भैया। ठीक है, देन उसके बाद सत्यानाशी के बीज किस पौधे के बीज से मिलते जुलते हैं? बिल्कुल सही है, जो सत्यानाशी के बीज है वो किससे मिलते जुलते हैं? मस्टर्ड से। मस्टर्ड बोले तो सरसों। किससे मिलते जुलते भैया? मस्टर्ड या सरसों से। ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर। किस जलीय खरपतवार का नाम बताइए? किसी एक का नाम आपको बताना है, क्योंकि मस्टर्ड और सरसों में मिल जाता है तो एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉपसी नामक रोग, और उस रोग से दिल्ली में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्यारा सा नाम आप सभी को बताया जो जल में उगता है, जल कुंभी। ठीक है, यहाँ पर एक जो खरपतवार आएगा वो आएगा जल कुंभी, जिसको आप वाटर हाइसिंथ कहते हो, वाटर हाइसिंथ। ठीक है, तो जल कुंभी वाटर हाइसिंथ है, जो कि वाटर बॉडीज पे आपको जनरली ग्रो करेगा। किसी एक विदेशी मूल के खरपतवार का नाम, तो वही है गाजर घास, पार्थिनियम हिस्टोफोरस, कैरट घास, इसको कांग्रेस घास भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो गाजर घास, चटक चांदनी, पार्थिनियम। ठीक है, गाजर घास पार्थिनियम आ जाएगा भैया। द अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड। वह पौधा जो अनावश्यक स्थान पर उगते हैं उन्हें क्या कहेंगे? दैट्स कॉल्ड वीड या खरपतवार, उनको हम कहेंगे भैया खरपतवार। वेरी गुड, वेल डन, सभी ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया। चलिए 2,4-D फर्स्ट विधि साइड है, तो ये सही जोड़ी सही मिली है। तुम इसको आड़ा तिरछा मत मिला देना, ये एक्यूरेट लिखा है, आपको छेड़ाना नहीं है इसको। 2,4-D क्या है? तो पहला खरपतवार नाशी है जिसकी खोज जेनरमैन और हिचकॉक ने करी थी। पहला 2,4-D है जिसकी खोज जेनरमैन और हिचकॉक ने करी थी। तो पहला खरपतवार नाशी 2,4-D है। भारत में भी सबसे पहले एज ए वीडीसाइड गेहूं में किसका यूज हुआ था? तो वीडीसाइड को के रूप में 2,4-D का ही प्रयोग हुआ था। उसके बाद बथुआ का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। प्रथम शाकनाशी है, यह प्रथम शाकनाशी है। फिर बथुआ का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, बथुआ का भी होता है, चौलाई का भी होता है, यह हम पढ़ चुके हैं, सब्जियों के रूप में होता है। एट्राजिन भी एक प्रकार का खरपतवार नाशी है, एट्राजिन भी एक तरह से देखा जाए तो खरपतवार नाशी है। एग्रोसान जीएन देखा जाए तो फफूंद नाशी है। देन उसके बाद में एनुअल वीट, ठीक है, अर्जीमोन सत्यानाशी,
उसके बाद में कांग्रेस घास, पार्थिनियम स्पीसीज, पार्थिनियम हिस्टोफोरस, जिसको आप लोग गाजर घास कहते हैं, फिर है फ्लेरिस माइनर, नकलची खरपतवार है, गेहूं के खेत में आता है, मिमिक्री बीट के नाम से आप इसको जानते हो। देन उसके बाद गेहूं, चिनोपोडियम एल्बम में गेहूंसा भी आता है और बथुआ भी आता है। चिनोपोडियम एल्बम ये किसका वानस्पतिक नाम है, तो बथुआ का, चिनोपोडियम एल्बम। बोटनिकल नेम किसका, ये बथुआ का, ठीक है। चलिए तो ये मेज द कॉलम पूरा क्लियर है, इसको तुम मत मिलाना। कमलेश जी, हॉर्टिकल्चर की क्लास लगेगी? नहीं, हॉर्टिकल्चर में जितना आपको RHA और IBPS के लिए बेसिक जो पढ़ाना था वो सारा हमने उसमें पढ़ा दिया, आप उसको देखिए। और अगर आप इस तरह का ही मज़ेदार ट्रिकी हॉर्टिकल्चर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो 1 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हो रही है आप उसमें एडमिशन लीजिए और उस क्लास को कंटिन्यू करिए, ठीक है। और वो ऑफर है RHA और IBPS के लिए, उन बच्चों के लिए जो आने वाले एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं कॉम्पिटिशन के, 4000 में आपको मिल रहा है, लेकिन 1 जनवरी के बाद वो 7000 में मिलेगा, इसलिए उसका लाभ ले, ठीक है। चलिए आइए, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 12th की हम बात करें तो प्लांट प्रोटेक्शन सेकंड, पौध संरक्षण थर्ड, इसका जो वेटेज है 3 अंक का, और इससे भी भैया आएंगे ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 3 अंक के आएंगे, 3 नंबर्स के, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। रानी पवार धन्यवाद बेटा। चलिए मूल्या रोग क्या पूछना चाह रहे भैया, मूल्या रोग जो में होता है गेहूं में होता है, ठीक है। अभिषेक यादव जी, मूल्या डिजीज अगर आए तो वीट और रागी, ओट, जई, बार्ले, इन सभी में होता है, लेकिन मेनली अगर आपको लगाना मूल्या रोग तो वीट और बार्ले दो में लगा देना, ठीक है। अब लिख करके लिख देना, वीट एंड बार्ले लिखने वाला है, ठीक। चलिए आगे बढ़े, ओके। तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा, प्लांट प्रोटेक्शन सेकंड, जिसका वेटेज है 3 नंबर, और ये तीनों ऑब्जेक्टिव आएंगे भैया। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीम के प्राकृतिक कीटनाशक की तरह उपयोग किया जाता है क्योंकि, नीम इज यूज्ड एज ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड बिकॉज, ये प्रकृति में शीघ्रता से अपघटित हो जाता है, इट डीकम्पोज क्विकली इन नेचर, इसकी उत्पादन लागत अधिक नहीं है, इन इट्स कॉस्ट प्रोडक्शन इज नॉट हाई, इसमें एजाडीरेक्टिन तत्व पाया जाता है, एजाडीरेक्टिन इज फाउंड इन इट्स सब्सटेंस, यह दूसरे कीटनाशकों की अपेक्षा अधिक प्रभावी, इट इज मोर इफेक्टिव देन अदर इंसेक्टिसाइड। तो इसका आंसर आएगा बिल्कुल, जिन बच्चों ने सी दिया है सही है, रोहित बिल्कुल सही है, रानी पवार आपने जो लिखा बेटा मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा, रोग किस फसल में, चेपा रोग क्या, चेपा एक कीट है जो कि आम में आता है, मैंगो मिलीबग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए चेपा रोग मैंगो मिलीबग है, ओके। तो यहाँ पर पूछा गया, नीम में प्राकृतिक कीटनाशक की तरह उपयोग किया जाता है, तो नीम में एजाडीरेक्टिन तत्व पाया जाता है, ये काम की बात है, और नीम को हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, एजाडीरेक्टिन इंडिका इसका बोटनिकल नेम है, फैमिली मिलीएसी है, तो नीम का वानस्पतिक नाम ही एजाडीरेक्टा इंडिका है, तो उससे क्या निकलेगा, एजाडीरेक्टिन, कौन सा तत्व, एजाडीरेक्टिन, और एजाडीरेक्टिन जितने भी सकिंग पेस्ट है उनके लिए हार्मफुल होता है, इसलिए आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है, फ्रूट बोरर, एफिड, डायमंड बेकमाथ कीट, तो फ्रूट बोरर ये इंसेक्ट है, फ्रूट बोरर तो 100% फलों में छेद करता ही करता है, एफिड्स सरसों में आता ही आता है, उसके बाद डायमंड बेकमाथ ये पत्ता गोभी का प्रमुख कीट है, पत्ता गोभी इट मीन्स केबेज, ठीक है, ये केबेज में आता है, किट ये रस्ट है, और रस्ट एक प्रकार से रोग है जो कि गेहूं की फसल में आता है, ठीक है भैया, ये किस में आता है, तो गेहूं की फसल में आता है, ये किस में आता है, गेहूं की फसल में। तो आपसे यहां पूछा गया कौन सा कीट नहीं है,
तो फ्रूट बोरर भी कीट है, एफिड भी है, डायमंड बैक माथ भी, पत्ता गोभी में आता है। एफिड्स किस में आता है? सरसों में, कपास में भी आता है, ज्वार में भी आता है। फ्रूट बोरर फलों में आता है, फलों को छेद कर देता है, और मक्के में भी आता है। तो ये इस तरह से अलग बात है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया किट, ये किट देख के आप मत समझ जाना कीट है, ये किट रोग है, रस्ट है, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर। इसलिए आंसर आएगा डी। आलू की अगेती अंगमारी रोग है, आलू का, पोटेटो का जो अर्ली ब्लाइट है, तो पक्सिनिया के द्वारा होता है, अल्टरनेरिया के द्वारा, विषाणु के द्वारा, अस्टिलागो के द्वारा। तो वायरस के द्वारा तो नहीं होता, अस्टिलागो न्यूडा के द्वारा तो गेहूं में होता है, और पक्सिनिया भी गेहूं में आता है। इट मीन्स आलू में आएगा अल्टरनेरिया, ठीक है, अल्टरनेरिया। अब पूछा है आलू का अगेती अंगमारी, तो यहां ध्यान देना मेरी बात को। आलू में अगेती अंगमारी, इट मीन्स अर्ली ब्लाइट की बात हो रही है, अर्ली ब्लाइट, अगेती अंगमारी अर्थात अर्ली ब्लाइट, ये होता भैया अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया सोलेनाय, इसका पूरा नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाय, अल्टरनेरिया सोलेनाय, अल्टरनेरिया सोलेनाय से होता है। तो आप लोग हिंदी वाले तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो, आलू का अगेती अंगमारी, आलू अगेती अल्टरनेरिया, अ चल रहा है, तो आलू में अगेती अंगमारी अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया सोलेनाय से हो रहा है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए भैया कि आलू में, पोटेटो में लेट ब्लाइट, पोटेटो में लेट ब्लाइट पछेती अंगमारी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इनफस्टेंस, इनफस्टेंस, इसके कारण आयरलैंड में भीषण अकाल पड़ा था 1845 में, एक फेमाइन आ गया था, अकाल पड़ गया था, जिसको आप बोलते हो आयरिस फेमाइन, आयरिस फेमाइन। बंगाल का अकाल अलग चीज है और आयरलैंड का अकाल अलग चीज है। तो आपसे जनरली पूछा गया भैया आलू का अगेती अंगमारी तो होता अल्टरनेरिया, अ अ अ याद रखना, अल्टरनेरिया आलू अगेती अंगमारी, फिर प फ पछेती फाइटोप्थोरा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अभिषेक राजपूत जी, यादव प्रियंका, ठीक है, सबका सही है। तो आलू का अगेती अंगमारी अल्टरनेरिया से याद रखना। कीट नियंत्रण निम्नलिखित विधियों में से कौन सी भौतिक विधि के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सा ऐसा प्रयोग है जो भौतिक विधि के अंतर्गत नहीं आता? खाई खोदना, ट्रेंच बनाना आता है, कीट को एकत्र करना आता है, ट्रैप का प्रयोग करना आता है, लेकिन कीटनाशियों का छिड़काव करना नहीं आएगा, ये तो केमिकल कंट्रोल है, इट मीन्स ये रासायनिक विधि है भैया, तो ये रासायनिक विधि है ना, इसलिए इसके अंतर्गत नहीं आएगी। बाकी सभी आएंगे लेकिन ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा भैया, बाकी सभी आ जाएंगे। पायरीला किस फसल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? पायरीला इज द मेजर इंसेक्ट ऑफ विच क्रॉप? मूंगफली की फसल में तो व्हाइट ग्रब आता है, जिसको आप सफेद गिडार के नाम से जानते हो, ठीक है, व्हाइट ग्रब, सफेद गिडार। आप लोगों ने अगर गोबर का गड्ढा देखा होगा, जहां गोबर वगैरह निकालते हैं ना, तो उसमें सफ़ेद इल्ली निकलती, मोटी वाली, इस तरह से पड़ी रहती, वो इस तरह से आपने देखा होगा, एक इल्ली पड़ी रहती है, और इस इल्ली में इस तरह से खंड बने रहते हैं, और इसकी खासियत है कि इसका जो सीरा दिखाई देता है वो रेड रेड दिखाई देता है, ऐसा एक इल्ली देखी होगी मोटी वाली, गोबर के जो ढेर होते हैं वही इल्ली है, श्वेत गिडार, ठीक है, देखी कि नहीं देखी इल्ली? ठीक है, अब हम बात करें पायरीला, तो पायरीला आता भैया सुगर केन में, जो पायरीला इंसेक्ट है, ठीक है, ये गन्ने में आता है, गन्ने में एक और आता तना छेदक, सूट बोरर जिसको हम बोलते हैं। मटर की फली में अगर हम देखें तो व्हाइट फ्लाई, एफिड, ये सब आएंगे, सफेद मक्खी, एफिड, ये सब इधर आएंगे भैया मटर के ऊपर। और आम में हम देखें तो आम में मैंगो जो
होता है इसमें देखने को मिलेगा, मिली बग, ठीक है, मिली बग। और इस मिली बग के कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं ट्रैप। ट्रैप मीन्स चिपचिपे प्रपंच, चिपचिपे प्रपंच, इसके लिए हम यूज करते हैं चिपचिपे प्रपंच, ट्रैप क्रॉप, ठीक है। इस तरह से ग्रीस वगैरह पट्टी वगैरह लगा के उसको नियंत्रित किया जाता है। तो ये आम में आता है, मैंगो में मिली बग। पौधे से प्राप्त कीटनाशक दवा है एल्ड्रीन, डीडीटी, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन, निकोटीन, ये तंबाकू से मिलता है, और बेविस्टीन ये तो फंजीसाइड है। तो कीटनाशक की बात हो रही है तो इसका आंसर आएगा निकोटीन। इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स दैट इज निकोटीन, टोबेको से निकाला जाता है। और ये निकोटीन क्या होता है भैया, बनता जड़ों में, ये बनेगा कहाँ, जड़ों में, और जाकर एकत्र कहाँ हो जाता है, पत्तियों में, जाकर एकत्र हो जाता है पत्तियों में। ऐसे ही ज्वार में देखे तो HCN बनता है जड़ों में और एकत्र हो जाता है लिप्स में, पत्तियों में। तो ज्वार में क्या बनता है, HCN। तंबाकू में क्या बनता है, निकोटीन। नीम में क्या बनता है, एजाडिरेक्टिन। याद रखना, ज्वार में HCN, टोबेको में निकोटीन। और अभी हमने बात करी यहां पर नीम की, उसमें एजाडिरेक्टिन, और पायरेथ्रम में पायरेथ्रिन, ये फसलों में बनने वाले हानिकारक सब्स्टिट्यूट है जो कि काम में आते हैं। उसके बाद चिपचिपे ट्रेब का प्रयोग अभी हमने पढ़ा, द इफेक्टिव ऑफ विच इंसेक्ट प्रिवेलेंट बाय द यूज ऑफ स्टिकी ट्रेब, पासा भी बोल दिया जाता है इसको, शुद्ध हिंदी में चिपचिपा ट्रेब भी बोल दिया जाता है। तो तना भेदक जो कि स्टेम बोरर, शुगर केन का इंसेक्ट है, शुगर केन का ये इंसेक्ट है, स्केल इंसेक्ट, मिली भगत, पायरिला भी गन्ने का है। तो अभी हमने पढ़ा दैट इज मिली बग, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी। वेरी गुड रोहित, वेदिका, दीपांशु, संदीप, बहुत बढ़िया, प्रियंका, सुनील, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का सही। अभिषेक, रानी, पवार, ओके। ऐसे रसायन जिनके संपर्क में आने मात्र से ही कीट नष्ट हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उनको हम किस नाम से जानेंगे भैया, ठीक है। तो सच केमिकल हुज पेस्ट आर डिस्ट्रॉय ओनली बाय कॉन्टेक्ट, मतलब आप किसी से संपर्क करा और आप गए, ठीक है, अगर आपने किसी से संपर्क करा आपका खेल खत्म, तो इसलिए संपर्क नहीं बनाना बेटा भी, ठीक है। चलिए तो ये आएगा भैया कॉन्टेक्ट, संपर्क कीटनाशी। सर्वांगी कीटनाशी का क्या मतलब भैया, एक बार अगर पौधे के एक भाग में चला गया तो वहां से पूरे पौधे में फैल जाएगा, उसको हम बोलते हैं सर्वांगी कीटनाशी। ये धुमक है, धुमक क्या होते हैं, धुआं करते हैं और धुएं के कारण ये नष्ट कर देते हैं। अमाशय विष ये पेट में जाएगा फिर अपने असर दिखाएगा, समझ गए। तो संपर्क मात्र से काम हो जाएगा उनको हम बोलेंगे कॉन्टेक्ट वीडिसाइड या कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड। नीला थोता का जब प्रयोग करते तो क्या बनेगा, फॉस्फोमिडान, थायोमिडान, बोर्डोमिश्रण, डेक्सान। तो जो नीला थोता होता है ये बोर्डो मिश्रण से बनता भैया, बोर्डेक्स मिक्सचर, और इसको बनाया सबसे पहले प्रोफेसर मिलार्डेट ने, वो जगह थी फ्रांस, और फ्रांस में इसको बनाया गया 1885, कुछ बुक इसको 1882 भी लिखती है लेकिन ये ज़्यादा सही है, 1885 में इसको बनाया गया फ्रांस में, और फ्रांस का जो शहर था बोर्डेक्स उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया बोर्डो मिश्रण। और इसके प्रयोग सबसे पहले अंगूर के बगीचे में किए गए क्योंकि अंगूर में जो डाउनी मिल्ड्यू होती है, प्लाज्मा ओरा विटिकोला से आती है अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू, उसके ऊपर इसका प्रयोग सफल सिद्ध हुआ, इसलिए आंसर आएगा सी। अब इसमें हम प्रयोग करते हैं नीला थोता, अब इसको बनाने के लिए हम लेते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट, CO और वाटर, इस तरह से बोर्डो मिश्रण बनकर तैयार होता है। आपने जनरली देखा होगा, जनरली आपने देखा होगा, हाँ बिल्कुल सही है, सरसों का एफिड हमने पढ़ लिया संदीप कुमार पटेल। आपने जनरली देखा होगा कि आइट साइड रोड पे लाल, पीले, नीले, हरे, सफ़ेद कलर में वृक्षों की पुताई कर देते हैं, वो जो वृक्षों की पुताई कर रहे भैया ये आपका बोर्डो मिश्रण ही है जिससे आप वृक्षों की पुताई कर रहे हो। अब सरसों की फसल में नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है तो एफिड है, चित्तीदार कीड़ा है, लीफ फोल्डर है, पायरीला है, तो भैया इट इज़ एफिड, ठीक है। चलिए स्पॉटेड वाम जो होता है ये सोयाबीन वगैरह में आता है, लीफ फोल्डर भी उधर ही आता है, पायरीला गन्ने में आता है। पौधे को कुतर कर खाने वाले इंसेक्ट,
टिड्डा, सिस्टोसरका ग्रेगेरिया, सिस्टोसरका ग्रेगेरिया। टिड्डा आपने देखा होगा, सरक सरक कर उड़ता है, आपका हेलीकॉप्टर बचपन वाला धागा बांध के उड़ाया होगा आपने खूब। राजस्थान साइड तो बहुत फेमस है टिड्डी दल, आते आते टिड्डी दल, राजस्थान में भी बहुत आते टिड्डी दल। तो बचपन का जो आपका हेलीकॉप्टर है उसके गर्दन बांध के आपको उड़ाया ना, सरक सरक के चलता है वैसे बेचारा। तुम लोग पोपटिया बोलते हो, क्या बोलते हो ग्रामीण बोलचाल में, उसी की बात हो रही है। ग्रॉस हॉपर टिड्डा, दैट इज उसी तरह का है टिड्डी, है ना, उसी तरह का टिड्डी होता है जिसको आप लोकस्ट या सिस्टोसरका ग्रेगेरिया। तो ये सरक सरक के चल रहा है, सिस्टोसरका ग्रेगेरिया। कद्दू का लाल कीड़ा रेड पंपकिन बीटल आ जाए तो रेफी डो पेपला फोवी कोलिस। फेविकोल लगा दिया कद्दू को, इसे याद रखना, रेड फेविकोल लगा दिया कद्दू को, इसलिए होगा रेड पंपकिन बीटल। ठीक है, रेड पंपकिन बीटल, कद्दू को क्या कर दिया भैया, रेड फेविकोल लगा दिया, इस तरह से याद रखना। 2020 में आया था हमारे यहाँ। हाँ बिल्कुल सही है लखन, चलिए ओके भीम, राधे राधे। चलिए नेक्स्ट है सफेद लट व्हाइट ग्रब, ठीक है, होलो ट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया, ये आपसे कक्षा 12वीं में पूछा गया प्रश्न है। व्हाइट ग्रब किसका प्रमुख कीट है, तो मूंगफली का, जिसका नाम है होलोट्रेकिया कंसेनगुनिया। अंग्रेजी वालों के लिए भी स्पेशल लिखा भैया, होलोट्रेकिया कंसेनगुनिया। लाल भुडली रेड हेरी कैटरपिलर, ये अक्सर सोयाबीन में आती है, रेड हेरी कैटरपिलर। लाल इल्ली रहती है, उसके ऊपर बाल पाए जाते हैं सोयाबीन में, काली लाल इल्ली जो रहती है। ठीक है, तो एमेक्स्टा मूरी के नाम से इसको जाना जाता है। पौधे के रस को चूसने वाले कीट, अभी हमने कुतर कर खाने वाले देखे जो कुतुर कुतर कर खा रहे थे, अब रस चूसने वाली की बात करें तो पायरीला गन्ने में आता है, पायरीला परपेशुल्ला उसका नाम है। उसके बाद कपास का लाल झांगा रेड कॉटन स्टेनर डिस डरकस सिंगुलेटस। उसके बाद गन्ने का सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई आ रहा है तो एल्यूरोलोबस बोरोडेंसिस। लेकिन जनरली अगर सफेद मक्खी का नाम पूछा जाए तो बमेसिया टिबासाई भी होता है, बमेसिया टिबासाई, जनरली इसको हम बमेसिया टिबासाई। लेकिन गन्ने का पूछा जाए तो एल्यूरोलोबस बोरोडेंसिस आपको याद रखना है। चावल का गंदी बग, राइस का बग जो है लेप्टोकोरिस वेरिकॉर्निस, ये राइस का जो गंदी बग है इसके खेत में अगर आप चले जाओ तो बहुत दुर्गंध चलती है। पीडीएफ डलवा देंगे भैया अभी, नाश जी आशीष जी चिंता नहीं करो। ठीक है, अगर हम बात करें गंदी बग की, तो इसका नाम गंदी बग इसलिए पड़ा कि इसके खेत में आप जाओगे तो प्लीजेंट मतलब स्मेल आती है, बहुत दुर्गंध आती है, इसलिए इसका नाम हो गया गंदी बग, इसके खेत से चलती है दुर्गंध। पौधों में अंडर रोपण करना और घोंसला बनाना, ठीक है, तो इसमें आए फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जिसको उत्तर प्रदेश में सोन मक्खी के नाम से जानते हैं, बेक्टो सो सिरा स्ट्रे मेटा। ठीक है, फल मक्खी, ये फल मक्खी क्या करती है, फलों के अंदर जाती है और यहाँ पर अपने अंडे दे देती है, ठीक है, और फलों को सड़ा देती है। तो फल मक्खी, सोन मक्खी, फ्रूट फ्लाई, बेक्टो सोसिरा स्ट्रम मेटा। हानिकारक कीट फॉर सम क्रॉप्स के लिए हम हार्मफुल इंसेक्ट देख रहे हैं, तो हार्मफुल इंसेक्ट ऑफ शुगर केन, शुगर केन की सफेद मक्खी अभी हमने देखी थी, एलेरोलोबस बारबेडेंसिस, शुगर केन का सूट बोरर चिलो फार्टस इन्फर्सेटुलस। उसके बाद कपास के हानिकारक कीट, तो कपास का रेड कॉटन बग डेस डरकस कंसिनगुलेटस अभी हमने देखा था, फिर धब्बेदार कैटरपिलर स्पॉटेड बॉलवर्म, ठीक है, जिसका नाम है इरियस फेविया, ये अभी हमने देख लिया। उधर धान के कीट में हम बात करें तो राइस हिस्पा डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा, धान का आर्मी वर्म। देखो ये आपको फसलों की खेती में काम आएगा, सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा। धान के दो कीट लिखिए, कपास के दो कीट लिखिए, गन्ने के दो कीट लिखिए, तो ये आपको वहां भी काम आएगा फसलों की खेती में। रोग लिखिए दो, तो रोग तो मैंने कवर करवा दिया आपको, कीट भी कवर करवा रहा हूँ, ये फसलों की खेती में सीधा सीधा आपकी तैयारी वहां भी काम दे देगी। ठीक है, चलिए, तो कपास में धान के दो कीट हो गए, फिर चने के कीट में चने की सुंडी, आपने देखा होगा ये चने की फली है, इसमें इस तरह से हरी इल्ली बैठी रहती है, आधी अंदर आधी बाहर। ग्राम पोड बोरर जिसको हम बोलते हैं हेलिका वर्पा आर्मीजेरा, हेलिका वर्पा आर्मी जेरा, हेलिका वर्पा आर्मी जेरा, ठीक है, हेलिका वर्पा आर्मी जेरा। चने का कटवा ग्राम कटवर्म एग्रोटिस एप्सिलॉन,
चने का जो कटवा है एग्रोटिस एप्सिलॉन, ये बहुत मजेदार कीट है। ये क्या करता है बेटा, रात में आएगा भैया, ठीक है, और फसल को काट के भाग जाएगा। अब किसान को पता नहीं चलता कि कौन काट के गया, और ये जाके मेड़ पर जो कचरे का ढेर है वहां जाके छुप जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, रात में ये आता है तो अपने को दिन में सुबह जाकर कचरे के ढेर लग दो खेत में, और कचरे के ढेर को जब उठा के देखोगे चने के खेत में, तो आपको ये कटवर्म दिख जाएगा। ये कतर देता है फसल को मिट्टी के पास से, बिल्कुल नज़दीक से, तो आपको लगेगा कोई काट के चला गया फसल, ऐसा नहीं हुई है। बहुत खतर चालू कीट है भैया, कटुआ है ना, इसको हिंदी में कुतरा भी बोलते हैं, समझ गए। चलिए एग्रोटिस एप्सिलॉन। सरसों की बात करें तो मस्टर्ड साफलाई, एथेलिया प्रोक्सिमा, एथेलिया प्रोक्सिमा, एथेलिया प्रोक्सिमा। उसके बाद सरसों का माहू एफिड लिफिस इरिसाइफी, सरसों का चितकबरा पेंटेड बग ऑफ मस्टर्ड ब्रिगेडा क्रूसीफेरियम। सब्जियों में आने वाले तो कैबेज का मौत, पेरिस ब्रेसिका, पोटेटो ट्यूबर मॉथ, गोरी मोस्चिना अपर कुलेला, ये इम्पोर्टेंट है भैया। गोरी मोस्चिना अपर कुलेला। देन उसके बाद बैंगन में आता है सूट एंड फ्रूट बोरर, ल्यूसोनोडस आर्बेनेलिस, ठीक है भैया, ल्यूसोनोडस आर्बेनेलिस, इसका पूरा नाम है ल्यूसोनोडस आर्बेनेलिस। ल्यूसोनोडस आर्बेनेलिस। तो ये कुछ फसलों के इंसेक्ट हमने देखे यहाँ पर। उसके बाद में फलों के हानिकारक कीट, बेर में जो फ्रूट फ्लाई आता है केरी पोमिया वेंसुनिएसिया, नींबू में सिट्रस बटरफ्लाई पेपिलो डेमोलेंस, आम का चेपा मिली बग नहीं है लीफ हॉपर है इडोरेंसिस एटिकोनसी, आम का तना भेदक स्टेम बोरर बेक्टोसीरिया रिफॉर्मी कुलेटा। आप इतना साइंटिफिक नेम मत याद करना, परेशान मत होना, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा कीट किस में आता है। चलिए उसके बाद गोदाम में भंडारण में आने वाले कीट, तो दालों का घुन पल्स बीटल है, कोल्चोब्रुचस चाइनेंसिस है, चावल का घुन राइस विबिल स्टोफिलस ओराइजी है, गेहूं का खपड़ा बीटल है जिसको आप लोग धंधोरिया बोलते हो गांव में, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम है भैया, और अनाज का पतंगा एगोमियस ग्रेन मॉथ सिस्टोट्रोगा सिर सेला, सिस्टोट्रोगा सिर सेला, ठीक है। तो ये कुछ फसलों के मेजर मेजर हमने यहाँ पर इंसेक्ट कीट देख लिए। विषाणु रोग तंबाकू में होता है मोजेक, आलू में होता है लीफ कर्ल, और पपीता में लीफ कर्ल, तो ये सब वायरल से होता है। जितने रोग चिली का भी होता है पत्तियां कर्ल हो जाती है, ये सब क्या हो जाएंगे, कर्ली रोग हो जाएंगे। हॉर्टिकल्चर का पीडीएफ भी डल जाएगा भाई। जीवाणु की बात करें बैक्टीरियल डिसीज में, तो सिट्रस कैंकर, धान का अंगमारी और कपास का अंगमारी, जितने भी अंगमारी है सब बैक्टीरियल से हो रहे हैं यहाँ पर, याद रखना। उसके बाद में फंगस से पूछा जाए तो अभी हमने पढ़ा लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, रेड रॉट, गन्ने का लाल सड़न, ये प्रश्न पूछा जाता है। रेड रॉट जो लाल सड़न है ये फंगस से हो रहा है, फफूंद से हो रहा है, ठीक है। फफूंद का नाम है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, ये गन्ने में हो रहा है। उसके बाद मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज, ये भी फफूंद से हो रहा है। इसमें आप देखोगे तो मूंगफली के पत्तों पर आपको इस तरह से धब्बे दिखाई देंगे। तो ये कुछ जनरली रोग कीट थे, लेकिन इस चैप्टर से मेनली आना आपको ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद एक चार्ट यहाँ पर बना दिया बेटा, फसल और उनके प्रमुख रोग और कीट, ठीक। तो मैक्सिमम चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पर कवर कर चुका हूँ, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। नीम की हम बात करें तो जो बोटनिकल है नीम का, ठीक है, अगर हम नीम की बात करें तो नीम का वानस्पतिक नाम है एजा डिरेक्टा इंडिका, परिवार है मिलियेसी, और इससे एजा डिरेक्टिन तत्व निकलता है। एजा डी रेक्टिन ये तत्व हानिकारक है जो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, किनको, रस चूसने वाले कीटों को। मोल्या रोग बेटा गेहूं में होता है, ठीक है। विशाल पाटीदार जी जय श्री कृष्ण, इधर आ जाओ। आंख मदार के नाम से आए तो याद रखना केलोट्रॉपिस प्रोस्पेरा, ये पूछा गया है। परिवार इसकी है एस्क्लेपीडिएसी। धतूरा थोर्न एप्पल के नाम से आता है, बोटनिकल में धतूरा अल्बा,
परिवार है इसका सोलने से, ये जितने नाम है ये परीक्षा में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते बेटा। फ्रूट फ्लाई को उत्तर प्रदेश में किसके नाम से जानते हैं? तो सोन मक्खी। फ्रूट फ्लाई को किसके नाम से जानते भैया? चलिए बताइए जल्दी से। ठीक है भैया, ऋषभ पटेल साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप एमजी साइज से जुड़ते थे और आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत खुशी की बात है। ऋषभ भाई पटेल उत्तर प्रदेश में आपका सिलेक्शन हुआ है, खुशी की बात है ऋषभ भाई, थैंक यू इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ भाई। चलिए बताइए बेटा, इनके आंसर आपके सामने है, इनके उत्तर आपको बताना है। ठीक है देखो बेटा, मेहनत करो, मेहनत करो बेटा, खूब अच्छे से दिल लगा के मेहनत करो, क्योंकि यही मेहनत आपको एक दिन सफल बनाएगी। अपना 100% लगाओ भैया मेहनत में, कमी नहीं रखना है, जब भी पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो। चलिए तो पहले में आ जाएगा सोन फ्लाई, दूसरे में आ जाएगा मॉनिटर। क्वेश्चन है कि फेरोमेन किट उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं, तो मॉनिटर मतलब फेरोमेन का क्या मतलब होता है बेटा? ये हार्मोन है, ये नर छोड़ते और मादाओं को आकर्षित करते या मादा छोड़ती नर को आकर्षित करती, तो हार्मोन वाली कंडीशन है। तो फीमेल माथ जो होगी और मेल माथ जो होगी उनसे अट्रैक्शन करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम खेत में किया जाता है। उसके बाद फसल चक्र कीट नियंत्रण में अत्यंत सहायक है या आवश्यक है, असेंशियल है। ठीक है, अगर हम बात करें द क्रॉप साइकिल की, अगर हम बात करें भैया तो ये बेनिफिशियल है, सहायक है, लाभकारी है। ठीक है, आवश्यक है और लाभकारी है, बेनिफिशियल है। चिपचिपे प्रास या ट्रेप पासा का वृक्ष कीटों से बचने के लिए किया जाएगा? ट्रेप लूप का यूज कौन से इंसेक्ट से बचने के लिए किया जाएगा? चलिए बताइए जल्दी से, फिर हम इसका आपको ये किया जाएगा फ्रूट क्रॉप में, जनरली ये किस में किया जाएगा भैया? फ्रूट क्रॉप में, इट मीन्स फल वृक्षों में किया जाएगा। किस में किया जाएगा भैया? ये फल वृक्ष में, फ्रूट क्रॉप्स के लिए यूज किया जाएगा। आशीष पीडीएफ डल जाएगी, इतना परेशान मत हो, पढ़ ले बेटा, अभी इतना लोड मत ले, पूरे मध्य प्रदेश का लोड तू मत ले, पढ़ भाई। टोबेको में मोजेक रोग होता है, ठीक है, तो आपको मोजेक रोग बताना भैया टोबेको में, तो ये किससे होगा? तो वायरस से हो जाएगा। धान में अंगमारी रोग किससे होगा? तो ये हो जाएगा भैया फंगस से कि बैक्टीरिया से, तो ब्लाइट है, अंगमारी है, तो ये होता है बैक्टीरिया से। देन उसके बाद गेहूँ में किट्ट रोग किसके द्वारा हो रहा है? तो ये फंगस के द्वारा हो रहा, फफूंद के द्वारा, फंगस या फफूंद के द्वारा हो रहा। एल्यूमिनियम फास्फाइड एक किस प्रकार का कीटनाशी है? तो यह ध्रुमक है, प्रधुमक है। और बोटनिकल नेम मदार का, तो कोलियोट्रोपिस प्रोस्पेरा। जितने भी आप तो को अभी ऑब्जेक्टिव दिखाए थे उनकी यहाँ पर आंसर की दे दी भैया, समझ गए? वायरस, जीवाणु, फफूंद, ध्रुमक और ये वानस्पतिक नाम कोलियोट्रोपिस प्रोस्पेरा हम आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है भैया, अलग अलग अच्छी बात है। MPPAT का रिजल्ट आ जाएगा तो MGSAI YouTube पर जानकारी दे देगा भैया, मत परेशान हो, अभी टाइम है आने में, परेशान मत हो उसके लिए। चलिए, DDT की अपेक्षा BSC कीटों को जल्दी मारता है। DDT की हम बात करें तो डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरोन BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो कीटों को जल्दी मारता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कॉटन में अंगमारी रोग कवक से होता है, फॉल्स है, क्योंकि कॉटन में अंगमारी तो बैक्टीरिया से हो रहा भैया। उसके बाद एग्रोसान एक पारायुक्त मरकरी फंजीसाइड है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल सही है। बोर्डेक्स मिक्सचर में कापर होता है, अभी हमने पढ़ा, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और ये रही इसकी आंसर की, जिससे आप इसको और अच्छे से मैच कर सकते हो। डाइथेन Z78 एक सर्वांगी कीटनाशी है, सॉरी फंजीसाइड है, तो ट्रू है कि फॉल्स है? चलिए बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए जल्दी से। वेरी गुड, डाइथेन Z78 सिस्टेमिक्स फंजीसाइड नहीं है। नीम आग धतूरा का उपयोग शक्तिशाली रसायन के रूप में होता? नहीं होता, यह भी फॉल्स है।
देन उसके बाद निकोटीन पौधे से प्राप्त होने वाला कीटनाशक, ये बिल्कुल सही है, पौधे से ही तंबाकू से मिलता है। मेलेथियन, रोगार, पेराथियन इत्यादि संपर्क कीटनाशी है, तो ये कथन सही है। ठीक है, ये संपर्क में आने से इसको मार देते हैं। धतूरे का उपयोग चिकनी त्वचा वाले कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो ये कथन भी यहाँ पर ट्रू है। तो ये हमने यहाँ पर ट्रू फॉल्स देख लिया भैया। बाविस्टिन सिस्टेमिक फंजीसाइड है, ये बिल्कुल सही है। नीम ऑर्गेनिक फंजीसाइड है, ये भी सही है। मिली बग चिपचिपा प्रपंच है, चिपचिपा प्रपंच है, तो ये कहानी भी सही है। उसके बाद व्हाइट फ्लाई जूसी एब्जॉर्बर है, मतलब रस चूसक कीट है, तो बिल्कुल सही है, व्हाइट फ्लाई रस चूसने वाला कीट है। और गर्डल बीटल चक्रभ्रंग सोयाबीन में आता है, और सोयाबीन में ये स्टेम बोरर गर्डल बीटल आता है, तो सोयाबीन की फसल में इस तरह से तीन रिंग बना देता है, इस तरह से तीन रिंग बना देता है, स्टेम बोरर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सिस्टेमिक मतलब सर्वांगी फफूंद नाशी की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर ये सही मिले, तुम मत आगे पीछे मिलाना, ये सही मिली हुई जोड़ी है, एकदम एक्यूरेट लिखा हुआ है। शैवाल द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग का नाम बताइए, तो शैवाल द्वारा जो रोग आता है उसका नाम है रेड रस्ट ऑफ टी, लिखा हुआ है यहाँ पर। नींबू में कैंकर रोग किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास कंपेस्टिस वेराइटी सिट्री। फिर धान के कच्चे बीजों से रस चूसने वाला कीट, तो गंधी बग है, ये कच्चे बीजों से रस चूस लेता है उसके। फिर कीट पतंगों की रोकथाम में प्रयुक्त तो होने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, तो कीट इंसेक्ट का कंट्रोल करना है तो हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। और बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको लिंडेन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 1 से लेकर 6 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो 4 फर्टिलाइजर से आएगा, प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट से आएगा, और प्लांट प्रोटेक्शन सेकंड से। इसको आपको कल रीड करके आना है, कल मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, चलिए, क्लियर बात है क्या? तो भैया ये अपना 6 चैप्टर तक की कहानी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, जबरदस्त रहे। हाँ बेटा, आज डलवा देंगे PDF। ओके, थैंक यू सो मच। गणेश, संदीप, वेदिका, विजय, दर्शन, दीपांशु, विक्रम, संदीप, रोनित, रोहित, गणेश, हर्ष। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। लखन, ओके बेटा। आशीष शर्मा, संदीप पटेल, MP, ओके।